कौन सी बेस आपने यूज करनी है, कौन सी स्किन टाइप के हिसाब से, बहुत सारे इस बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं उत्तरा शहरयार और मेरे चैनल पे आपको मिलती है जी मेकअप, फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ। वैसे आजकल स्किल जीरा के कोलेबोरेशन के साथ मैं आपके पास लेकर आई हूं जी फ्री मेकअप क्लासेस, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गाइज, आज है हमारा जी डे 4। इससे पहले की 3 क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी स्किन प्रेप के हिसाब से, किस तरह से फाउंडेशन हमने बाय करनी है, स्किन टोन, अंडर टोन। इसके अलावा हम लोगों ने सीटीएम के बारे में जाना था कि हमने अपनी स्किन को प्रेप किस तरह से करना है, कौन सी स्किन पे टोनर यूज करना है, कौन पे नहीं, कौन सी स्किन पे नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद आपने वो क्लासेस जरूर लेनी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज है हमारा डे 4। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी फाउंडेशन हम कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैच होता हुआ शेड किस तरह से सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा मैं कुछ ब्रांड्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपकी हमारी ये वाली स्किन टाइप है, आप प्लीज हमें बता दें हम कौन सा शेड बाय करें, कौन सी ब्रांड की फाउंडेशन बाय करें। तो भाई मैं आपको शेड तो देखे बगैर नहीं बता सकती कि आपकी स्किन टाइप, आपकी स्किन टोन किस तरह की है, और फिर मैं उसके हिसाब से ही आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ब्रांड्स जरूर बता सकती हूँ। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फाउंडेशंस की। फाउंडेशंस बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, लिक्विड फाउंडेशंस, इसके अलावा क्रीम फाउंडेशंस, इसके अलावा मूस फाउंडेशंस एंड पाउडर फाउंडेशन। ठीक है, तो अगर हम स्किन टाइप की बात करें तो जो लिक्विड फाउंडेशन होती है ना, वो आप ऑल स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, जो सी भी स्किन टाइप है, आपके लिए बेस्ट जो फाउंडेशन है ना वो है आपकी लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रीम फाउंडेशन की। तो क्रीम फाउंडेशन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मूस फाउंडेशन की बात करें तो वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए होती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि मूस फाउंडेशन जो है वो हम लोग ना ही बाय करें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी कवरेज नहीं होती है। उसके बाद बारी आती है जी पाउडर फाउंडेशन की। पाउडर फाउंडेशन जो है वो ऑयली स्किन के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसके भी कवरेज इतनी कुछ खास नहीं होती है। अगर आप इसको लिक्विड फाउंडेशन के साथ लेयर करके यूज करोगे ना, तो फिर इसकी जो है कवरेज बहुत अच्छी आएगी। तो लिक्विड फाउंडेशन होती है उसकी कवरेज काफी हाई होती है। इसके अलावा क्रीम फाउंडेशन जो होती है उसकी कवरेज भी काफी हाई होती है। मूस फाउंडेशन जो है उसकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है। ठीक है, और पाउडर फाउंडेशन जो होती है उसका भी यही सीन है कि वो हाई कवरेज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप जो है वो अपने लिए लिक्विड फाउंडेशन या फिर क्रीम फाउंडेशन बाय कर सकते हो। अच्छा गाइज, अब आपको मैं ये बताती चलूं कि जो लिक्विड फाउंडेशन होती है ना, उसमें भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जी ऑयली स्किन के लिए और दूसरी टाइप होती है ड्राई स्किन के लिए। ठीक है, जो ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन होती है ना, वो हमेशा वाटर बेस्ड होती हैं। ठीक है, वो हमारी स्किन को मैट फिनिश देती हैं। जो लिक्विड फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए यूज की जाती है ना, वो हमेशा मैट फिनिश आपको प्रोवाइड करेगी। इसके बरक्स अगर आप ड्राई स्किन के लिए लिक्विड फाउंडेशन बाय कर रहे हो ना, तो वो ऑयल बेस्ड होती है। तो आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने ऑयल बेस्ड फाउंडेशन बाय करना है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने वाटर बेस्ड फाउंडेशन बाय करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ब्रांड्स की। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन बाय करना चाहते हो, तो सबसे प्रायोरिटी पे आएगी जी हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन। ठीक है, हुदा ब्यूटी की जो फाउंडेशन है हाई कवरेज है, और इसके अलावा ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हुदा ब्यूटी की बाय मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई लुक देगी। उसके बाद जी सेकंड पे आती है मैक प्रोलॉन्ग। इन सब की पिक्चर्स जो है वो मैं साथ में लगा दूंगी ताकि आपको खरीदने में भी आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है काशिश की फाउंडेशन। पाकिस्तानी ब्रांड की तरफ आए तो काशिश की फाउंडेशन जो है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन आप ड्राई स्किन के लिए इसको यूज मत करना गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैट लुक देती है, मैट फिनिश देती है, और ये ऑयली स्किन के लिए ही अच्छी है, ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जी अगर हम लोग अफोर्डेबल ब्रांड की तरफ आए तो मिस रोज की जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी है, जो मैट फिनिश देती है। ठीक है, इसकी भी पिक्चर मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूंगी। इसके अलावा ब्यूटीफाई बाय आमना की अगर आप बाय करना चाहते हो फाउंडेशन मैट फिनिश वाली, तो वो आप बाय कर सकते हो। इसकी जो कवरेज है ना, इन दोनों की कवरेज आप 2 से 3 लेयर्स ही यूज करोगे तब आपको इसकी जो है वो हाई कवरेज मिलेगी। बाकी इनकी जो ऊपर वाली 3 फाउंडेशन है, इनकी जो कवरेज है वो काफी ज्यादा हाई है। अब हम बात कर लेते हैं जी ड्राई स्किन की फाउंडेशन के लिए, जो कि ऑयल बेस्ड होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जी नार्स का फाउंडेशन। मैं पिक्चर साथ साथ लगा दूंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो नार्स का फाउंडेशन बाय करो, या फिर आप फेंटी ब्यूटी का फाउंडेशन भी बाय कर सकते हो, मैक स्टूडियो स्कल्प्ट का फाउंडेशन भी आप बाय कर सकते हो,
वो बेस्ट है ये ड्राई स्किन के लिए। और मैबेलिन का जो फिट में फाउंडेशन है वो भी बाय कर सकते हो, इसकी कवरेज जो है वो इतनी हाई नहीं है, इसको आप लेयर करके यूज करोगे तो ये आपको अच्छी कवरेज देगा, ठीक है। उसके बाद जो है पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ आए तो एमएम सिल्क फाउंडेशन जो है बहुत अच्छी है ड्राई स्किन के लिए, आप इसको बाय कर सकते हो, जरूर ट्राई करना। और ये भी जो है ना आप दो लेयर्स इस्तेमाल करोगे तभी आपको ज्यादा अच्छी फिनिश देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जी ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो, इनके भी दो फाउंडेशन आते हैं, इनका जो पंप इट अप है ना वो फाउंडेशन जो है वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है। और जो इनका दूसरा मैट फिनिश वाला फाउंडेशन आता है वो आप ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जी क्रीम फाउंडेशंस की, तो क्रीम फाउंडेशंस में आप मेकअप फॉरएवर का जो पैलेट आता है ना वो यूज कर सकते हो, उस पैलेट में काफी सारे शेड्स भी अवेलेबल होते हैं, मिक्स एंड मैच करके आप अच्छा फाउंडेशन जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्रायलॉन के आप टीवी पेंट स्टिक्स जो होती है वो यूज कर सकते हो। ये जो क्रीम फाउंडेशन होती है मैंने आपको बताया ये आप यूज कर सकते हो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, तो ये बहुत अच्छी होती है, इनकी कवरेज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा मैक की जो स्टिक आती है ना वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये बाय नहीं कर सकते हो या अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप हांडी बेसिस बाय कर सकते हो, जिस तरह शेफर की बेस हो गई, इस तरह बहुत सारी हांडी बेसिस जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा जो है आप ओपरा ब्रांड का जो फाउंडेशन है वो आप यूज कर सकते हो, स्लिस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज कर सकते हो जो कि इनका क्रीम बेस्ड है, और परफेक्ट फेस का भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है वो भी क्रीम बेस्ड है, आप वो भी बाय कर सकते हो। अच्छा ये तो बात कर ली हमने ब्रांड्स के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से अपने फेस के हिसाब से अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना फाउंडेशन का शेड सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपने मेरे सवाल का जवाब देना है वो भी कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कि जितना कुछ मैंने आपको बताया है आपने उससे कुछ सीखा भी है या नहीं। तो आपने मेरे क्वेश्चन का जो है वो जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। क्वेश्चन ये है कि हम जो हमारे फेस पर एक्टिव एक्ने होती है उसके निशान को करेक्ट करने के लिए, उसके जो स्कार्स होते हैं जो एक्टिव एक्ने होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से कलर का करेक्टर यूज कर सकते हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अच्छा ये तो बात कर ली हमने ब्रांड्स के बारे में कि कौन से ब्रांड में कौन सी फाउंडेशन जो है किस स्किन टाइप के लिए अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि हमने फाउंडेशन का शेड किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो गाइज जब भी आपने फाउंडेशन बाय करनी है ना तो आप कोशिश करें ऑनलाइन बाय मत करें, आप हमेशा जाएं शॉप पर और शॉप पर जाकर ही फाउंडेशन सिलेक्ट करें, क्योंकि वहां पर टेस्टर्स मौजूद होते हैं और उन टेस्टर्स को यूज करके आप अपनी स्किन से मैच होता हुआ फाउंडेशन बाय कर सकते हो। कोशिश करो हमेशा अपनी स्किन से एक टोन लाइटर फाउंडेशन बाय करो, बिल्कुल स्किन से मैच होता हुआ फाउंडेशन आपने बाय नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं जब वो ओपन होती हैं, आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो जब वो हमारे हवा के साथ मिलती हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, तो उनका कलर एक टोन जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो अगर आप अपनी स्किन से मिलता जुलता फाउंडेशन बाय करोगे और वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका फेस जो है वो डार्क दिखने लगेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है अपनी स्किन से हमेशा एक टोन लाइटर फाउंडेशन बाय करो ताकि वो ऑक्सीडाइज होकर आपकी स्किन से बिल्कुल मैच हो जाए। अब बाय करने का तरीका क्या है कि आप जाओगे शॉप पर, शॉप पर जाने के बाद आपने टेस्टर उठाना है, टेस्टर को आपने अपने फोरहेड पर और अपने जॉ लाइन पर जो है वो जॉ लाइन से लेकर गर्दन तक जो है उसका स्वैच करना है, ठीक है। जितने भी टेस्टर्स मौजूद हैं आपने उन सब को उठाना है और स्वैच करना है, उसके बाद आपने कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने सनलाइट में जाकर देखना है कि कौन सा फाउंडेशन आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो रहा है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कौन सा आपके स्किन टोन से एक टोन लाइटर है, जो एक टोन लाइटर होगा ना वो आपने बाय कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है अपने शेड के हिसाब से फाउंडेशन बाय करने का। तो होपफुली गाइज आज की क्लास से आपके फाउंडेशन के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस थे उनको मैंने कवर कर लिया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरा यहां पर नजर आ रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। और इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी मिले तो आप स्किल जीरा को डीएम कर सकते हो, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं जो क्विज वगैरह हैं उनको क्लियर करके 80% मार्क्स लेकर आप जो है वो सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हो। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।